हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो आप बताइए सोच के। इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी। पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं और फिर कम्युनिकेटिंग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी। ये वाला आंसर है। सेकंड है हमारा डैश इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट फेज कौन सा है? अगर आपने क्वेश्चन वन पढ़ा हुआ है तो आप बता दोगे कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आइडेंटिफाइंग। जैसे इसमें था ना आइडेंटिफाइंग, वैसे फर्स्ट फेज क्या होता है हमारा, पहले हम क्या करते हैं किसी भी एंट्री को या किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस नेचर का है, कौन सा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट पहले आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड है हमारा डबल एंट्री इम्पाइल्स दैट। डबल एंट्री किसको बोलते हैं हम? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। उसी को क्या बोलते हैं हम, डबल एंट्री। एक क्या होता है डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है क्रेडिट होता है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। फोर्थ है हमारा फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन विल इंक्रीज। जब हम अपने बिजनेस में फ्रेश कैपिटल लाते हैं या फ्रेश कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटी बोलेंगे, एसेट्स एंड इक्विटी बोलेंगे, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी एंड बैंक बैलेंस बोलेंगे या कैपिटल एंड लाइबिलिटी बोलेंगे? इसका आंसर है हमारा बी, एसेट्स एंड इक्विटी। जब हम फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या फ्रेश कैपिटल अपने बिजनेस में लगाएंगे पहली बार या दूसरी बार, कभी भी लगाओ, तो हमारे क्या इंक्रीज होगा, एसेट्स भी इंक्रीज होगा और इक्विटी भी इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। फिफ्थ है हमारा कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए सेंट्रल बैंक इन 1926। नरसिम्हा कमेटी, ब्रेटन वुड कमेटी, हिल्टन इंग कमेटी या बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी? ये बैंकिंग से जो रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हिल्टन यंग कमेटी। मैं पढ़ रहा था, कई बुक्स में ये गलत भी दिया हुआ है, नरसिम्हा लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हिल्टन यंग कमिटी। सिक्स्थ है हमारा जर्नल। जर्नल इज ए बुक ऑफ डैश एंट्रीज। फर्स्ट होती है, ओरिजिनल होती है, सेकेंडरी होती है या जेनेरिक होती है? तो जनरल जर्नल को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट जर्नल इज कॉल्ड। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में तो उसे क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, एंट्री मेकिंग बोलते हैं, एडजस्टिंग बोलते हैं या जर्नलाइजिंग बोलते हैं? तो जब हम जर्नल में कोई रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जर्नल आर ऑल्सो। अच्छा, इसमें मैं बताना भूल गया, पोस्टिंग उसे बोलते हैं जब हम जर्नल से लेजर में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। एट है हमारा जर्नल आर आल्सो रेफर टू एज बुक ऑफ एंट्रीज, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, टी अकाउंट या बुक ऑफ इकोनॉमिक इवेंट? तो इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जर्नल को ध्यान रखना, एक तो जर्नलाइजिंग बोलते हैं, दूसरा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोलते हैं। नाइन्थ है हमारा द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जैसे मैंने अभी बताया था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। जब जर्नल से हम लेजर में एंट्री करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम पोस्टिंग बोलते हैं। इसका आंसर हमारा ए। टेंथ है हमारा डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस इन ए ट्रायल बैलेंस इंडिकेट दैट। टीवी में हमारा डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स।
इलेवेंथ है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ कैश बुक। ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप सोच के बताइए कि जब हम डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं तो कैश बुक में कौन से साइड हम उसको बुक करते हैं, रिसीव्ड साइड, पेमेंट साइड, इनकम साइड या एक्सपेंडिचर साइड, बताइए। तो वो करते हैं हम पेमेंट साइड। कई बच्चे क्या सोचते होंगे, अरे तो रिसीव हुआ है तो ये होगा रिसीव्ड साइड, तो रिसीव्ड साइड नहीं होता। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ ए कैश बुक, तो ये पेमेंट साइड। डिस्काउंट किससे रिसीव करते हैं हम, क्रेडिटर से। तो हम क्या करेंगे जब पेमेंट करेंगे पेमेंट साइड, तो उसमें क्या करेंगे हम, पेमेंट साइड में पेमेंट करेंगे और लेस डिस्काउंट करेंगे, तो कौन सा साइड रिकॉर्ड होगा, पेमेंट साइड होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। 12th है हमारा डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स असेट्स टू कंपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो हम किसी भी असेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, या किस बेस पे हम, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी फिक्स असेट्स पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे, टाइमलाइंस पे या रिलायबिलिटी पे। इसका आंसर होगा हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। 13th चेक आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज। जो अनप्रेजेंट चेक होते हैं जिनको हम प्रेजेंट नहीं किया हुआ है उनको क्या बोलेंगे हम, अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स या बाउंस चेक्स, उन्हें बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग चेक्स। इसका आंसर है हमारा सी। 14th है हमारा डैश आर चेक्स दैट आर इशूड बाय द बिजनेस बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। कौन से चेक होते हैं, हमने इशू तो कर दिए लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो उनको अनकलेक्टेड बोलेंगे, अनक्रेडिटेड बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे या बाउंस्ड बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग चेक्स। अब ये चेक्स के बारे में जो आता है, अनक्रेडिटेड क्या होता है, अनप्रेजेंटेड क्या होता है, अनक्लियर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इनमें। तो ये जब आप एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो एक क्वेश्चन इसमें 90% तो एक आएगा ही, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। अभी देखो ये होते हैं चेक्स, आपने दो चीजें याद रखनी है, अनप्रेजेंटेड चेक्स और आउटस्टैंडिंग चेक्स एक ही होते हैं। आपको सिर्फ ये वाला याद करना है, ये वाला आपको याद नहीं करना, क्योंकि आपको अगर ये याद हो जाएगा तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों, क्या होता है जब कोई दो सिमिलर चीज होती है तो आप दूसरे को आपको पढ़ना होता है लेकिन फर्स्ट आपको क्या होता है, फर्स्ट आपको याद रखना होता है। तो अगर आपको फर्स्ट याद है तो ऑटोमेटिकली सेकंड क्या है, सेकंड का आंसर आपको पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो इसमें क्या है, देखो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, हमने चेक इश्यू कर दिया है लेकिन पेमेंट के लिए अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो उन चेक्स को क्या बोलते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स या आउटस्टैंडिंग चेक्स। और दूसरे चेक्स क्या होते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, तो उनको देखो क्या क्या बोलते हैं, अनक्रेडिटेड चेक भी उनको बोलते हैं, अनकलेक्टेड भी उन्हें बोलते हैं, अनक्लियर्ड भी उन्हें बोलते हैं और आउटस्टेशन भी उन्हें बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आउटस्टेशन है और ये आउटस्टैंडिंग है। तो चेक के बारे में अगर कभी भी आई तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि हमने चेक इश्यू किया है लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, उनको अनप्रेजेंटेड चेक और आउटस्टैंडिंग चेक बोलते हैं। सिर्फ ये वाले याद रखना है, बाकी अनक्रेडिट, अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड, आउटस्टेशन चेक ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो ये याद रखना। तो ये मेरी आप एक बैंक रिकन्सिलेशन वाली वीडियो है, आप उसमें देख लीजिए, उसमें भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू हैं जो चेक्स पे, बैंक रिकन्सिलेशन पे, उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया है कि किस चेक को क्या नाम बोलते हैं। 15th हमारा रेवेन्यू अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज नॉन एज। रेवेन्यू तो हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ हमें, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रा एसेट रेवेन्यू, एक्रूड रेवेन्यू, एक्रूड रेवेन्यू, कॉन्ट्रा एसेट रेवेन्यू,
या accrued expenses या accrued revenue या unearned revenue, उसे बोलेंगे हम accrued revenue. देखो unearned नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कह रहा है revenue earned, earn तो कर लिया हमने लेकिन अभी received नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम accrued revenue. जैसे accrued expense होता है ना, expense तो हो गया लेकिन अभी payment नहीं करी, तो उसको क्या बोलेंगे हम accrued expenses. इसमें हमारा ऑप्शन सी है. 16th हमारा, रेंट कलेक्टेड इन एडवांस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये सेम सिमिलर टाइप का है लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है. रेंट कलेक्टेड इन एडवांस, इसमें क्या किया हमने, रेंट एडवांस में ले लिया है, और तो उसको क्या बोलेंगे हम, जो चीज हम एडवांस में ले लेते हैं लेकिन अभी वो उसका खर्चा भी हुआ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अक्रूड एक्सपेंस बोलेंगे, अक्रूड रेवेन्यू बोलेंगे, डेफर्ड एक्सपेंस बोलेंगे या डेफर्ड रेवेन्यू बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब अनअर्न रेवेन्यू. इसको तो क्या बोलेंगे हम, अनअर्न रेवेन्यू बोलेंगे. मतलब ये क्या है, अभी हमारे रेवेन्यू तो हो गया लेकिन अर्न नहीं किया हमने, क्यों, क्योंकि अभी एडवांस आया है हमारे पास. हो सकता है जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कोई चीज सेल करी और किसी कस्टमर ने आपको एडवांस दे दिया, हो सकता है वो सेल ना हो, ये भी तो हो सकता है वो सेल होना, जरूरी थोड़ी है एडवांस आ गया तो वो सेल हो ही जाएगी. तो आपने क्या किया, सिर्फ एडवांस लिया है अभी, आपने अर्न नहीं किया है रेवेन्यू अभी, उसको क्या बोलेंगे हम, डेफर्ड रेवेन्यू. और अक्रूड एक्सपेंस तो मैंने अभी बताया था कि एक्सपेंस हो गया है लेकिन उसकी अभी पेमेंट नहीं हुई है, और अक्रूड रेवेन्यू अभी ऊपर भी बताया है. और प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं जो जिनका खर्चे के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही एडवांस दे देते हैं. जैसे आपका टेलीफोन इंटरनेट का बिल हो गया, जैसे 3 महीने का आता है ना इंटरनेट का बिल हो गया, या इंश्योरेंस की पेमेंट हो गई, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो इसका आंसर जो हमारा क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी. 18th हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली हेल्प इन, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है मेनली हेल्प क्या करती है, अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, एंटिसिपेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स या कम्युनिकेटिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स. इसका आंसर है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स. इसका आंसर है हमारा डी. 19th हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ नेट इनकम इफ ए बिजनेस डिक्रीज इट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट. हमारे इनकम में क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा अगर हम किसी बैड डेट के प्रोविजन को कम कर देंगे. इट विल इंक्रीज नेट इनकम, इट विल डिक्रीज नेट इनकम, नो इफेक्ट, इट विल इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट इनकम. इसका आंसर है हमारा इट विल इंक्रीज नेट इनकम. ये तो अगर हम बैड डेट, हमारा बैड डेट क्या है, हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, तो अगर वो कम हो जाए तो क्या हो जाए, क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, इनकम क्या है, इंक्रीज हो जाएगी. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए. हाउ ट्रायल बैलेंस शो द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, None of these. देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हो तो टीबी में या लेजर में क्या शो करता है, डेबिट साइड करता है या क्रेडिट साइड करता है. इसका आंसर है हमारा क्रेडिट साइड. कैसे करता है देखते हैं. डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होती है, एक तो सीधा डेप्रिसिएशन जो करते हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, वो सिंपल सी एंट्री होती है जिसको एक ही बार करनी होती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बिजनेस में क्या करते हैं, पहले पूरी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं और लास्ट में असेट को कम करते हैं. तो उसकी एंट्री क्या होती है, हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है जो, वो ये बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. और एंड में जब हम उस डेप्रिसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सेटअप करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स. यहाँ क्या हुआ, देखो हमारा एक्सपेंस बुक हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन अभी एसेट कम नहीं हुई, जिस एसेट्स पे हमने डेप्रिसिएशन यूज किया हुआ वो एसेट्स कम नहीं हुई, उसको किससे सेटअप करेंगे हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ईयर एंड में या मंथ एंड में, जब ईयर एंड में या 3 मंथ में, 4 मंथ में, जब भी जो भी जिसकी अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो भी जैसे करता है अपने बुक्स में, तो मेनली तो हम ईयरली करते हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स. तो इससे क्या हुआ, हमारा ये दोनों अकाउंट क्या है, सेटअप हो गए और हमारा एक्सपेंस भी बुक हो गया
और एसेट्स भी कम हो गई। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय।